पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को रेहटी में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रशासन को जमकर कोसा और कहा कि जिस प्रकार कमलनाथ सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं भी 15 साल तक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं, जिस तरह से कमलनाथ सरकार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बना रही है वो गलत है। यदि तुम में हिम्मत है तो बड़े बड़े भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई करो। इन गरीब जनता को क्यों परेशान करते हो? और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किए प्रकरण वापस नहीं लिए गए तो आने वाली 23 जनवरी को नसरुल्लागंज में उग्र प्रदर्शन होगा। वहीं अपर कलेक्टर वी के चतुर्वेदी, समीर यादव एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कही। इस सरकार ने अन्याय की अति कर दी, जुल्म की पराकाष्ठा कर दी, आम जनता अपमानित की जा रही है। पुलिस निर्दोषों को पकड़ पकड़ के पीट रही है। हालत यह है कि हमारे एक साथी नरेंद्र, उनका कोई दोस्त नहीं था, गरीबों को तंग किया जा रहा है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं इतने वर्ष मुख्यमंत्री रहने के बाद इस तरह के आंदोलन करूं, लेकिन हम मजबूर हुए हैं और मैं चेतावनी दे रहा हूं, धन्ना सहन नहीं करेंगे। हम मेरे कार्यकर्ताओं पर या जनता पर हाथ उठाया तो हमारी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ज्ञापन दिया गया है जिसको प्रशासन की तरफ से ADM साहब को सौंपा गया है और उस ज्ञापन में जो तथ्य दिए गए हैं, जैसा कि वहां पर भी हमने कहा कि उसको जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक उसमें कार्रवाई की जाएगी। सीहोर से EMS TV के लिए राहुल मालवीय की रिपोर्ट।